नमस्कार दोस्तों, छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर। अभी वर्तमान में जो समय चल रहा है, कालखंड चल रहा है, इसके भीतर आम जनमानस व्यक्ति अपने कार्य को लेके अत्यधिक समस्याओं से ग्रस्त हैं। भिन्न कारण हो सकते हैं। एक लंबे समय अवधि से संक्रमण काल, जिसके कारण से कभी कार्य में रुकावट आ जाना, कभी संक्रमण का जो भय है उसके कारण से कार्य को बंद करना, किंतु इन सब बातों के साथ साथ ऐसा भी देखा गया कि लोग, जनमानस ऐसे भी हैं जिन्होंने इस कठिन परिस्थितियों में भी अपने कार्य को सुदृढ़, सुव्यवस्थित बना के रखा। आज का खंड उपाय ज्योतिष के ऊपर, जब भिन्न भिन्न लोगों की जन्मांक, कुंडली, कार्यस्थल के बारे में निरीक्षण किया, क्या परिणाम देखने को मिले कि उनके कार्य बाकी लोगों के कार्यों से निर्विरोध, निरंतरता से चलते रहे। उसी के ऊपर आज की हम छोटी चर्चा आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। वर्तमान संपूर्ण चर्चा, विचार गोष्ठी पराशरीय ज्योतिष के सिद्धांतों के साथ, जो निजी अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव हमने किया, उसके साथ आप लोगों के लिए साझा कर रहे हैं, जिससे आप, हम सभी जनमानस अपने कार्य के प्रति निरंतरता, रुकावट रहित बने रहें और उससे उनको, समाज को, देश को और हर व्यक्ति को लाभ पहुंचे। एक बड़ा उद्यमी, एक मध्यम उद्यमी, व्यापारी और एक साधारण परिवार के व्यक्ति भी किस प्रकार से जब एक कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य का लाभ उनके सहयोगी, उनके अधीनस्थ काम करने वाले जनमानस, उन स्वयं के परिवारजन किस प्रकार से लाभ उठाते हैं, ये अपने आप में बहुत ही कर्तव्य का विषय है कि किस प्रकार से वो कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं और उनके साथ साथ वे सभी लोग लाभान्वित हो रहे हैं जो उनके साथ जुड़े हुए हैं। यदि एक व्यक्ति का कार्य ही कभी ऊपर, कभी नीचे लगातार बना हुआ है, तो क्या वह स्वयं को, क्या अपने परिवार को, क्या अपने साथ जुड़े हुए लोगों को, साथियों को लाभ दे पाएंगे? इसलिए आज की ये चर्चा दो प्रकार से लाभ दे सकती है। जो ज्योतिषीय मित्र हैं वो तो इसको बहुत सरलता से समझ लेंगे, किंतु जिनको ज्योतिष का ज्ञान निम्न है या कम है या है ही नहीं, वो भी इससे लाभ ले सकेंगे। इस प्रकार से इस खंड को बनाने की चेष्टा करेंगे। ऐसा तो सभी जानते हैं कि कुंडली का दशम भाव व्यक्ति के व्यवसाय का, कार्य का, कार्यक्षेत्र का, पद का, प्रतिष्ठा का, सभी ज्योतिषीय ग्रंथ कहते हैं। चतुर्थ भाव जब पाताल है तो दशम भाव आकाश है। व्यक्ति की जीवन में ऊंचाई दशम भाव से ही देखी गई है। दशम भाव में यदि निरंतरता बनी हुई है, दशम भाव के स्वामी
शुभ स्थानों में, शुभ पंचकों में विराजमान हैं, तो कार्य सुगमता से चलता रहेगा। बीच में आने वाली ध्वनियों के लिए क्षमा चाहते हैं। तो ऐसा हर जन्मांक के अंदर, प्रत्येक जन्मांक के अंदर तो नहीं हो सकता कि हर व्यक्ति के दशम भाव का स्वामी, दशम भाव इतना बली हो कि हर कार्य लगातार बना रहे। तो फिर इन सब परिस्थितियों के साथ यदि दशम भाव के स्वामित्व के ग्रह यदि शीर्ण अवस्था में हैं, तो किस प्रकार से उनका लाभ लिया जाए और उसकी शीर्ण अवस्था को शक्ति देने के लिए क्या ज्योतिषीय परिहार, सहायक वस्तुएं, सहायक उपकरण प्रयोग में लाने चाहिए। वर्तमान परिस्थिति में हम एक सूर्य से आरंभ करते हैं। जब वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका बनेगी या चंद्रमा वृश्चिक राशि में होंगे, तो दोनों के परिणाम एक औसत माध्यम से, एक के परिणाम मानसिक रूप से, एक के परिणाम दैहिक शारीरिक रूप से प्राप्त होते हैं। ज्योतिष में चंद्रमा को भी उतनी बलवत्ता प्रदान की गई है जितनी लग्न को, एवं सूर्य को भी लग्न के प्रकार का ही प्रतीक माना गया है। इसी कारण सुदर्शन कुंडली के भीतर तीन लग्नों का समावेश है, सूर्य लग्न, चंद्र लग्न और जातक का स्वयं का लग्न। वर्तमान स्थिति में हम ऐसा समझे, वे जातक जो केवल ऐसा जानते हैं कि इस माह की इस तिथि, इस अंग्रेजी तारीख से लेके इस माह की इस अंग्रेजी तारीख तक के भीतर उनका जन्म हुआ है, वे सूर्य को लग्न मानकर, उस राशि को लग्न मान के जिसमें उस समय सूर्य विचरित हो रहे हैं, उससे दशम भाव के ऊपर विचार करें। खंडों में आगे इसको एक एक करके आपको अवश्य साझा करेंगे कैसे। जो जातक अपने जन्म के बारे में तो उनको प्रतीत है, किंतु सटीक जन्म समय एवं जन्म का दिन, दिवस उन्हें ज्ञात नहीं है, वे जिन जातकों को केवल अपना नाम ही ज्ञात है, उनके लिए भी दशम भाव किस प्रकार से बनाया जाए एक उदाहरण तय समझ लेते हैं। जिस जातक का नाम जैसे, लैसे और ऐसे हो, जैसे जैसे चरणदास, चेतना आदि इत्यादि, उसी प्रकार से लैसे, ललित, लाला राम, लता आदि इत्यादि, और ऐसे अमर, अशोक आदि इत्यादि। यहां पे हम चंद्र राशि आधारित, सूर्य राशि आधारित और व्यक्ति जिसके स्वयं के
जन्मांग के विवरण उसको पूर्णतः प्राप्त हैं उसके आधार पर भी एक चर्चा संपूर्ण बताएंगे। वर्तमान जैसे मैंने एक उदाहरण में कुछ शब्द बताए, चे, ले एवं ए, मेष राशि के अंतर्गत ये आएंगे शब्द। मेष राशि के दशम भाव के भीतर मकर राशि उदित होगी। मकर राशि के स्वामी शनि महाराज हुए। अब विषय यहीं से आरंभ होता है। एक और इसी के साथ उदाहरण साझा कर लेते हैं। अप्रैल से मई के मध्य सूर्य मेष राशि के अंतर्गत विचरण कर रहे होते हैं, तो एक वो जातक जिसको अपना नाम पूरा एक सटीक विवरण अगले खंड में जरूर आपके साथ साझा करेंगे, आज इसे एक उदाहरण के रूप में हम कर रहे हैं। कितनी तिथि से कितनी तिथि तक, अंग्रेजी तिथि से अंग्रेजी तिथि तक सूर्य मेष राशि में रहते हैं सूर्य लग्न के अनुसार, जिसको आम बोलचाल में सन साइन कहा जाता है, उसके अनुसार व्यक्ति की राशि दशम स्थान में कौन सी उदित है। व्यक्ति का प्रचलित नाम जैसे अभी बताया चैसे लैसे, उससे मेष राशि के दशम स्थान में कौन सी राशि उदित है, और स्वाभाविक रूप से मेष लग्न के ही जातक उनके दशम स्थान के अंदर कौन सी राशि उदित है। अभी हमने उदाहरण मेष राशि का लिया था। मेष राशि के अंतर्गत दशम स्थान के भीतर दशम भाव के भीतर पड़ने वाली राशि मकर बनेगी, और मकर राशि के स्वामित्व का दायित्व, मकर राशि का स्वामित्व शनि महाराज के पास रहेगा, शनि ग्रह के अधिपति में बना रहेगा। ऋषि पराशर ने भाव बल एवं षड बल दो प्रकार के उपकरण ज्योतिष जिज्ञासुओं को, ज्योतिष के छात्रों को, ज्योतिष के मर्मज्ञ को प्राप्त कराए, अपने ग्रंथों में रचित करके गए। भाव कब बली है और भाव के स्वामी कैसे बली हैं? भाव बली है अर्थात जिस स्थान पर कार्य किया जा रहा है ऐसा जातक कि कार्य क्षेत्र का नाम इस संसार में इस धरती पे बहुत ही वैभवता से आदर से सम्मान से लिया जाएगा, एवं यदि भावेश भी बली है तो जातक उस कार्य का आनंद भरपूर प्रचुर मात्रा में उठा सकेगा। यदि एक बली है तो मध्यम, और यदि दोनों बली हैं तो पूर्णतार से जातक अपने कार्य क्षेत्र का, पद का, व्यवसाय का, वाणिज्य का, व्यापार का लाभ उठा पाएगा। कैसे समझे? एक जातक किसी भी देश की सर्वोच्च संस्था के भीतर कार्यस्थ है, एक जातक जिस स्थान पर बैठ के कार्य कर रहा है, वाणिज्य कर रहा है, व्यापार कर रहा है, वो उस देश की सबसे मूल्यवान स्थल है। एक व्यक्ति जिस स्थान
के भीतर कार्य कर रहा है, जिस संस्था के अंतर्गत कार्य करता है उस संस्थान का नाम, प्रचार, वैभवता पूरे संसार के अंदर उस स्थान के अंदर बहुत हो सकती है। जैसे उदाहरण समझे, किसी बड़े राज्य की राजधानी में आप कार्य कर रहे हैं तो ये अपने आप में स्थान बल प्राप्त हो रहा है। और बल उसे मिले हैं तो उस राजधानी के भीतर भी आप ऐसे स्थान पर कार्य कर रहे हैं जो उस कार्य विशेष के लिए पहचान बनाती है, जानी जाती है, तो स्थान बलि और हो रहा है। और वह स्थान हर प्रकार से सुसज्जित है, सुशोभित है, तो स्थान बल और भी प्राप्त हो रहा है। यही यदि उस स्थान के स्वामी भी बलि हैं, अर्थात हमने पहले स्थान बल की बात करी, अब बात कर रहे हैं हम उस स्थान के स्वामित्व की, जो स्थान बलि होने के कारण से व्यक्ति का नाम, प्रतिष्ठा और संस्था का नाम उसके साथ जुड़ता है। भाव बलि होने से, भावेश बलि होने से व्यक्ति उसका आनंद प्रचुर मात्रा में ले पाता है। मेष राशि की हम बात कर रहे थे, यदि शनि जन्मांक के अंदर बलवान है तो जातक व्यक्ति अपने कार्य का और वैभवता से प्रयोग भी करेगा। किस प्रकार से? और शनि शनि यदि क्षीण अवस्था में है, दुर्बल अवस्था में है, तो जातक उस कार्य का, स्थान का आनंद उस प्रकार से नहीं ले पाएगा। हर व्यक्ति के जन्मांग में ये आवश्यक नहीं है कि स्थान बलि हो, भाव बलि हो, भावेश बलि हो। वर्तमान में हम एक उदाहरण के रूप में मेष राशि के ऊपर बात कर रहे थे, तो अब इसी के भीतर शनि को किस प्रकार से बल प्रदान किया जा सकता है कार्य क्षेत्र के अंदर, उसके ऊपर बात करें। ज्योतिषीय परिहार खंड के अंदर, उपकरण खंड के अंदर ऋषि पराशर ने ग्रह के 6 प्रकार के बल बताए हैं और किसी किसी स्थान पे उन्होंने शुभ पंचक कह के ही उसको एक वाक्य में, एक शब्द में संपूर्ण कर दिया है। ग्रह 6 प्रकार से कैसे बल प्राप्त करते हैं? ग्रह का नैसर्गिक बल, ग्रह का चेष्टा बल, ग्रह का काल बल, दिशा बल, दृग बल, स्थान बल। इनमें से कौन से ऐसे बल हैं जिनको जातक स्वयं उस ग्रह के लिए प्रयास कर सकता है कि इसको बल प्राप्त हो? जैसे काल बल से हम आरंभ करते हैं। सूर्य, बृहस्पति, मंगल के जो काल बल हैं ये दिवसीय हैं, अर्थात दिन के अंदर इनको काल बल प्राप्त हो रहा है। शनि क्षीण, चंद्रमा, शुक्र ये संध्या अवस्था में दिन बल प्राप्त कर रहे हैं। अब इससे अर्थ क्या निकाला जाए?
जब शनि यहां पे संध्या अवस्था में बल प्राप्त कर रहे हैं तो हर कार्य तो रात्रि काल में हो नहीं सकते, तो दो प्रकार से इसका प्रयोग किया जा सकता है। ऐसा कार्य जिसमें किसी भी प्रकार से रात्रि का इस्तेमाल हो, रात्रि का प्रयोग हो, या अपने कार्य की योजनाएं संध्या काल में, रात्रि काल में थोड़े समय के लिए बैठ के बनाएं, उसको क्रियान्वित करने का समय तो दिन ही रहेगा, दिवस ही रहेगा, रात्रि भी हो सकती है। जैसे कुछ कार्य केवल रात्रि काल ही कार्य हैं, किंतु कुछ कार्य दिवसीय कार्य हैं और अत्यधिक कार्य दिवसीय कार्य हैं। तो यदि दशम स्थान के स्वामी रात्रि बलि हैं तो क्या कोई ऐसे कार्य हो सकते हैं जो संध्या काल के बाद आरंभ होते हैं, उनके ऊपर प्रयोग करके देखें थोड़ा, या अपने कार्यों की योजनाएं शांतिपूर्वक संध्या काल के बाद बनाएं कि आगामी दिवस में, आगामी दिन में मुझे क्या क्या अपने कार्य के प्रति योजना बनानी है और उसको कैसे क्रियान्वित करना है। यदि वो दीपावली हैं दशम स्थान के स्वामी, तो अपने कार्यों को दिन में, दिवस में भरपूर ऊर्जा के साथ कार्य करें एवं अपनी योजनाएं भी उसी समय पर बनाएं। दूसरा बल दृष्टि बल। हर ग्रह यदि अकेला दृष्टि विहीन है, एकांकी है, दृष्टि विहीन है, तो उसको बल नहीं प्राप्त है। इसको उदाहरण से कैसे समझे कि एक मित्र हमारे को देख रहा है, हमारे को दृष्ट कर रहा है, या एक शत्रु हमारे को देख रहा है, दूर से देख रहा है, तो हमें इस बात का आभास है, एहसास है कि कोई हमारे ऊपर दृष्टि बनाए हुए है, हम एकांकी नहीं है। दशम स्थान के स्वामी जिन मित्र ग्रहों से नैसर्गिक संबंधों में आगे बताएंगे आपको, दशम स्थान के स्वामी जिन ग्रहों के साथ मित्रवत संबंध रखते हैं, यहां पे मित्रता दो प्रकार की देखेंगे, पंचदा मैत्री चक्र एवं नैसर्गिक मित्र। उन ग्रहों की वस्तुएं, उन ग्रहों से संबंधित रंग यदि आप अपने कार्य क्षेत्र के साथ प्रयोग करेंगे और भी लाभकारी रहेगा। दिशा बल। हर ग्रह अपने आप में एक विशेष दिशा के अंदर बल प्राप्त करता है। सूर्य जब दशम भाव में आते हैं तो दिग्बली होते हैं, शनि जब सप्तम भाव में आते हैं तो दिग्बली होते हैं, अर्थात मूलतः तो सूर्य की दिशा पूर्व है, किंतु अपना दिशा बल, दिग्बल वे दक्षिण में जाके प्राप्त कर रहे हैं। दक्षिण दिशा के रंग, दक्षिण दिशा के कारक तत्व, यदि व्यक्ति
अपने कार्य क्षेत्र में लगाएं, प्रयोग करें, किंतु उनकी पत्रिका के अंदर सूर्य दशमेश होने चाहिए। वर्तमान पत्रिका के अंदर हम शनि की बात कर रहे थे, मेष लगन की। शनि पश्चिम दिशा में दिग्बली है, तो पश्चिम दिशा के कारक तत्व, पश्चिम दिशा का रंग, पश्चिमाभिमुख जातक व्यक्ति अगर अपने कार्यस्थान के अंदर प्रयोग करेंगे तो शनि से संबंधित ऊर्जाएं उनके कार्य के अंदर भरपूर प्रचुर मात्रा में आने आरंभ हो जाएंगी और इससे जातक को व्यवसाय के प्रति और रुझान, व्यवसाय लाभ प्राप्त होंगे। कई बार व्यक्ति एक ऐसी यात्रा पर निरंतरता से चल रहा है जिसका उसको गंतव्य भी नहीं मालूम और वो चले जा रहे हैं, लेकिन अगर एक कुशल परामर्शदाता उसको ये बताए कि आपके जीवन में गंतव्य स्थान ये है, आपके जीवन अपने विश्लेषण के माध्यम से, आंकड़ों के माध्यम से, या जातक स्वयं अपनी अंदर से उठने वाली इच्छा के अनुसार ये बताए कि मुझे जीवन में ऐसा प्राप्त करना था, मुझे ऐसा बनना था, उस ग्रह से संबंधित कारक तत्वों को प्रयोग उसके कार्यस्थान में, कार्यशैली में आरंभ कीजिए। एक बालक भी कार्य करता है, एक वयस्क भी कार्य करता है, एक युवा भी कार्य करता है, एक प्रौढ़ व्यक्ति भी कार्य करता है, हर स्तर पे कार्यशैली अलग है। एक बालक का कार्य अपने विद्यालय के प्रति समर्पण, अपनी शिक्षा के प्रति समर्पण है। एक युवा का कार्य परिवार का ध्यान रखना और अपने आप को उस क्षेत्र की तरफ अग्रसर करना जिसमें वो जीवन में प्रगति, उन्नति प्राप्त कर सके। एक वयस्क का कार्य परिवार की देखभाल रखना, परिवार का सामंजस्य बना के रखना, आर्थिक प्रगति करना, व्यावसायिक प्रगति करना, सामाजिक प्रगति करना, ये सब का सब दशम भाव से ही आएगा। एक वृद्ध का कार्य, एक प्रौढ़ का कार्य, प्रौढ़ का कार्य अपने जीवन की यात्रा के लिए सद्गुणों के साथ प्रतिदिन बिताने, वृद्ध का कार्य अपने परिवार को इकट्ठा समग्र रखने का भी है। इसलिए दशम भाव को केवल हम व्यवसाय तक ना सीमित समझें। वर्तमान चर्चा में दशम भाव हम व्यवसाय के लिए प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन दशम भाव की व्याख्या बहुत बड़ी व्यापक है। आज की चर्चा में हमने एक छोटी सी बात साझा करी, अब इसको खंड दाखंड विश्लेषणात्मक तरीके से माध्यम से आप लोगों के साथ साझा करेंगे। जो ज्योतिष के मेरे मित्र हैं वे इस बात से ज्ञात हैं और उन्हें इसका विषय का बोध भी है कि दशम भाव को स्थान बन के स्थल स्थान बल कैसे प्राप्त होगा, दशमेश को किस प्रकार से बल दिया जा सकता है। जो ज्योतिष से अनभिज्ञ हैं लेकिन उसके प्रति जागरूकता रखते हैं, जानकारियां रखते हैं और उसके बारे में जानने की चेष्टा रखते हैं, उनके लिए भी हमने बताया कि दशम भाव के स्वामी और भाव का निर्धारण कैसे करें। एक बहुत ही साधारण बातचीत में आपके साथ साझा और कर देते हैं। दशम भाव जातक के जीवन में जातक के पिता का भौतिक रूप भी बताता है, अर्थात अब ये भौतिक रूप क्या है।
एक अनुवांशिक रूप है, एक भौतिक रूप है। जो भौतिक रूप है अर्थात जातक के पिता ने जातक के प्रति समाज में परिवार में किस प्रकार से योगदान दिया। कई बार आप ऐसा देखेंगे कि व्यक्ति ये कहता हुआ आपको प्राप्त होगा कि इस स्तर तक ले जाने में हमारे पिता का ही हाथ है। मूलतः तो ये परिवार का और पिता का ही हाथ होता है, किंतु फिर भी कुछ लोग इसे विशेष प्रकार से कहते हैं कि इस स्तर पे ले जाने पे हमारे माता पिता का या पिता का हाथ है। जिन जातकों के कार्य क्षेत्र के अंदर पिता ने सहयोग किया, जिन जातकों के पिता एक अच्छी अवस्था में पद ग्रहण कर चुके हैं अपने समय के अनुसार, उन जातकों का दशम भाव मूलतः बलि ही रहता है। दशमेश के बल अलग से देखे जाएंगे। छोटी चर्चा ज्योतिष में आपने भाग लिया, बहुत समय बाद आप लोगों के साथ खंड बनाया, खंड भी लंबा है, लेकिन इसको विश्लेषणात्मक तरीके से आप लोगों के साथ साझा करेंगे। क्योंकि जातक जनमानस इस समय व्यावसायिक समस्याओं से ग्रसित है, इसलिए आज मेष राशि के जातकों के लिए जाते हुए एक विशेष उपाय, अपनी योजनाएं कार्य के लिए संध्या काल के बाद बैठ के उनके ऊपर काम करें, कार्य करें कि आने वाले दिवस में कल मुझे क्या करना है, इसका विचार एक बार संध्या को कर लिया करें। साथ ही जब अपने विचारों का मंथन करें तो पश्चिम दिशा की तरफ, पश्चिम दिशा की ओर अपना मुख कीजिए और फिर एकाग्र होके अगले दिन की कार्यशैली के बारे में विचार बनाइए। शनि महाराज के नैसर्गिक मित्र बुध शुक्र हैं, तो जब कार्य के ऊपर विचार कर रहे हैं तो अपने समीप पुस्तकें रखिए, विष्णु सहस्त्र नाम रखिए, दुर्गा नामावली रखिए, बुध से संबंधित चीजें अपने पास रखिए, शुक्र से संबंधित वस्तुएं अपने पास रखिए, सुंदर वस्त्र रखिए, सुंदर पुष्प रखिए, सुगंध रखिए, तो आप देखेंगे कि आपको अगले दिन जो कार्य करने हैं उसके प्रति आपको बहुत ही ऊर्जा प्रदान करने वाले विचार, नवीन विचार आपके मन में, हृदय में, चित्त में उमड़ रहे होंगे। और अगले दिन जो कार्य करेंगे और वो बहुत ही ऊर्जा के साथ आप कर रहे होंगे। इसी का एक विश्लेषणात्मक खंड हमने जैसे आपसे आज इस समय साझा कर रहे हैं, इसको सुव्यवस्थित तरीके से बनाने की चेष्टा करेंगे जैसा हनुमान जी महाराज का आदेश रहेगा। छोटी चर्चा ज्योतिष में आपने भाग लिया, धन्यवाद। खुश रहिए, अपना और अपने सभी का बहुत ध्यान रखिए। संक्रमण काल कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, एक ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। वैसे भविष्य बड़ा अनंत है, किंतु फिर भी एक ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि अप्रैल के बाद संक्रमण न्यूनतम स्तर पे चला जाएगा, किंतु फिर भी है ये बड़ा असमंजस भरा हुआ, इसमें रोज नई चीजें देखने को मिलती हैं। अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद, प्रणाम।
अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश रहिए।